एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट ऑडिबल। कोई मानते कैसे सीधे कह दो कि मतलब फिजिकल वायलेंस कर रहे हो आप मेरे अगेंस्ट, ऐसे करके बोल देना अगली बार। मैं अरे हाथ कैसे उठा सकता है कोई? नहीं तो तुम क्लास छोड़ के बाहर चले जाओ, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ अगले दिन। मार कैसे सकता तो है कोई? कहती है कि अगर हमारे को मुझे पढ़ा लेना पर अरे कोई भी मार रहा हो, वाइस प्रिंसिपल हो चाहे क्लास टीचर हो, मार कैसे सकता है आपको ऐसे?
मतलब मेरे टाइम में फिर भी ठीक था, 8-10 साल पहले की बात है, बट अभी कैसे मार सकते हैं पहले। कल से मैं भी एक खेत तो वही है, डंडे वंडे लेके आता हूँ मैं। बट मतलब स्कूल का काम करना पड़ता है, तो भी आप अगर यहाँ का नहीं करेंगे तो नुकसान होगा आपको। हमारा तो सब कुछ जाते हो तुम, करते नहीं हो बस, तो मार पड़ती है तुम लोगों को। और आप लोगों को भी पड़ती है मार, लड़कियों को क्या? अच्छा क्या नोटबुक फाड़ देते? मतलब तुम लोग यहाँ के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो नहीं, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे यहाँ 12th जो एंड वाला है उसका सिलेबस अभी तक हो चुका है, सब कुछ ऑर्गेनिक पूछने वाले हैं, मतलब इतनी जल्दी सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, मतलब क्या कराते, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो ना तुम लोग, श्योर हो तुम लोग? नहीं मतलब मार वार पड़ रही है तो थोड़ा मतलब और है। मैं मुझे याद है, मैं मतलब 2 साल 9th 10th में तब एक बार, जबकि मैं मतलब मेरे स्कूल वैसे थे, मतलब उस समय के अच्छे स्कूल नहीं थे, तब भी मैं मतलब एक ही प्रेयर मिस की थी इसलिए एक बार मार पड़ी थी बस, और कुछ नहीं था। हाँ वो भी, और उसके बाद कुछ अगर ज्यादा करो तो टीचर ये कह रहे थे बेटा प्रैक्टिकल के नंबर मेरे पास है, तो ये तो ठीक है मतलब, बट ये मारने वाला कौन सा बात है? दया आ रही। और किसके स्कूल में मार पड़ती है? तुम्हें कौन मारेगा यार? अरे वो साइकोलॉजिकल पिटाई की बात कर रहा है, उसको अंदर से क्या बोलते हैं, उसे हिंदी में वर्ड होता है बहुत प्यारा सा, अंदर के घाव है उसके, मतलब साइकोलॉजिकल जो उभर रहे हैं। हाँ मतलब तुम्हें 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 तो कोई भी मारे तो कहते स्कूल से बाहर तो निकलोगे। नहीं बट मतलब गलत है अगर आप होमवर्क नहीं कर, या अगर आप देखो आप, मैं ऐसा कोई प्रेशर बातें करना बंद कर देता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मतलब अगर आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो ऐसा कोई कहता भी नहीं कि आप तुरंत कल करके लाओ या परसों करके आओ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद डिस्कस करते हैं, अगर तब भी आप नहीं करके ला रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है? मतलब आप चाहे स्कूल का बहाना बना देते हैं, घर में मम्मी काम करने के लिए कहती है, मम्मी ने सब्जी भी लेने भेज दिया था, जो बहाना बनाना वो बना लो, बट पॉइंट ये कि होमवर्क करना पड़ेगा। और तुम लोग यार क्या कर रहे हो? मतलब मैं जब पढ़ता था मेरा ये रूटीन था, मैं बताता हूँ, 8 बजे सुबह स्कूल होता था, 4 बजे छूटता था, ठीक है? और मैं बस से नहीं जाता था एक्चुअली, तब भी मतलब तब का ये स्कूल था, मतलब वो 9 to 3 वाला स्कूल का टाइम था, उसके बाद 4 बजे से कोचिंग होती थी 8 बजे तक, और तब भी होमवर्क कर लेता था मैं कैसे ना कैसे करके, ठीक है? तुम रात को देर से सो, जो थोड़ी अभी जवानी चल रही है तुम्हारी, ठीक है? मतलब पॉइंट ये है कि अभी तुम्हारा खून बन रहा है अच्छे से, तो मेरा पॉइंट ये कि अगर आप 6 घंटे नहीं सोगे तो कोई कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, ठीक है? मतलब एक दिन 5 घंटे सो जाओगे तो कोई खराबी नहीं आ जाएगी बॉडी के सिस्टम में, ठीक है? तो कर लो, मतलब अगर किसी चीज को कर रहे हो तो लग जाओ ढंग से, वरना कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। नहीं करना तो कोई बात नहीं, तो मजे की बात है, बट अगर करना है ढंग से, प्रिपरेशन कर रहे हो तो ढंग से कर लो एक बार, ठीक है? एक दिन 3 घंटे सो जाओगे, एक दिन 4 घंटे सो जाओगे तो कोई ऐसे तबीयत नहीं खराब होने वाली तुम्हारी, बट हो गई तो मेरा नाम मत लेना, ठीक है? चलो बताइए क्वेश्चन नंबर और कौन सा था, तो कर लिया लेकिन क्लास में। 41 द एनर्जी लेवल ऑफ ए जेड पर्सन कैन बी गिवन बाय, कौन बताएगा? सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, जेड ए प्लस जेड माइनस वन दिया है, तो इसका मतलब मान लो कि इस तरीके से लिखा है, जेड की वैल्यू मान लो कि 23 है, सॉरी जेड की वैल्यू मान लो 11 है, और जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वो बेसिकली 22 है, ठीक है? तो इस हिसाब से वो दिया, जो आपका मॉलिक जो आपका एटॉमिक वेट दिया है वो प्लस जेड माइनस वन है, मतलब कि जेड माइनस वन है एसेंशियली, और जो आपका एटॉमिक नंबर दिया है वो आपका जेड है, तो निकालने में क्या दिक्कत है फिर बताइए?
हाइड्रोजन की जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो अपॉन 1/z हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका जेड स्क्वायर ले लेना। मतलब बेसिकली क्या होगा, ईएन क्या होगा अगर हम बात करें तो होता क्या, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्या होता है माइनस, वो जेड प्लस जेड माइनस वन का मतलब वो हाइड्रोजन लाइक बनाना चाहता है वहां पे। तो 13.6 आगे क्या होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो केवल जेड ही तो चेंज होगा, बाकी सब तो वही हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन की जो पहली वाली है उसका होता है, तो जेड स्क्वायर ही केवल उसका चेंज होगा वहां पे। और कौन सा ई का लेना, ये हो जाएगा आराम से आपका। और कौन सा है इसमें, मैंने ये नोटिस किया पेपर, मतलब ये शीट थोड़ी इजी है ज्यादा, अगर किसी को थोड़े टफ क्वेश्चन करने हो तो अपना क्लास के बाहर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हैं। एक बुक है नरेंद्र अवस्थी करके, ठीक है, प्योर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है वो, अगर किसी करना हो तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि ये ज्यादा इजी है या मुझे और प्रैक्टिस चाहिए अच्छे क्वेश्चन की, तो नरेंद्र अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री आती है वो ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन वो तब ट्राई करेंगे जब इतना सब कुछ कर ले रहे हो, ये नहीं कि जबरदस्ती लेके आ गए और बैठे, पहले वो करेंगे हम तो मतलब पहले ही चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे, पहले दूसरे, पहले जब इसका सब हो जा रहा हो वो, और लग नहीं रहा आप लोग कर रहे हो सारे। चलिए बताइए और कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 60, डायमेंशन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कुछ अलग है क्या इसमें, द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी, तो एक्साइटेड है का मतलब क्या है इसमें, अगर स्टेट मेंशन नहीं की है तो मिनिमम एक्साइटेशन उसका क्या होगा, एन इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू 2 ही तो रखना है आपको, समझ गया, एक्साइटेड स्टेट बोला है ना। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट अगर मेंशन नहीं की तो मिनिमम एन इक्वल्स टू 2 ही लेंगे आप। क्या क्या दिक्कत है, डायरेक्ट डायर तो नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड एक्साइट फ्रॉम डायरेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए था एक्चुअली वो, आई गेस डायरेक्ट ऑर्बिट तो कुछ होता नहीं है, फर्स्ट होना चाहिए था वो, डायरेक्ट हो गया होगा आई गेस, ठीक है। और कौन सा है, नेक्स्ट कौन 62, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन इज इक्वल टू, तो सिंगली आयनाइज्ड कुछ है, डबली होना चाहिए था एक्चुअली, एक मिनट, ठीक है। अच्छा हीलियम है, हीलियम प्लस तो ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था। ओके तो हीलियम है, हीलियम तो देखो कर ही देते हैं, मुझे लगा पता नहीं हीलियम 2+ होना चाहिए था, ऐसे क्यों लग रहा था, हीलियम होता है 2 × 4, हीलियम प्लस हो गया आपका, ठीक है, तो हीलियम प्लस है तो इसका आयनाइज करने के लिए आपको पूछा एनर्जी कितनी लगेगी, तो आयनाइजेशन इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने की एनर्जी पढ़ाई नहीं थी मैंने आपको, बेसिकली क्या होती थी डेल्टा ई या ई लिख सकते हो सिंपल, तो क्या होती थी आपकी -13.6 जेड स्क्वायर 1/1 से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं हम, तो वहां पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली किसके बराबर है देख लो आप, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है जिसके भी बराबर हुई, तो
13.6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, आयनाइजेशन एनर्जी आपके जो भी ऑप्शन के बराबर हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर होती है, हाफ होती है, क्या होती है? टोटल एनर्जी के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, है क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आंसर। ठीक है, और कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल प्रोड्यूसेस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द हाइड्रोजन एटम? बेटा शॉर्ट वेवलेंथ का तो कर लेंगे, जैसे 1/n = 2 से बन जाएगा, ठीक है, या 3 से बन जाएगा, या 4 से बन जाएगा, या 4 से 3 जाएगा, तो बस आपको यही तो निकालना है। 1/λ = क्या होता है? RH, हाइड्रोजन की बात की है ना, तो z स्क्वायर हो जाएगा 1/(n^2)-1/(n^1)2, या जो भी पॉजिटिव दे, मतलब मैं मॉड लगा देता हूँ, मुझे याद नहीं था, n1 पहले रखना है, n2 पहले रखना है, तो यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन? अच्छा, तो 4 से जैसे पहले वाला मैं कर देता हूँ, 2 से 1 जा रहा है, तो 2 से अगर 1 जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 1/(1)-1/(2) रखा है ना, तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/λ = RH/T/4, ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 3:1 दिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? 1/λ × 9, तो 8/9 हो जाएगा RH। ठीक है, तीसरा क्या दिया है आपको? 4:1 दिया है, 4:1 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 15/16 ना, 15/16 है, RH हो जाएगा। ऐसा कर लेना, अब लैम्डा जब निकालोगे 300 को उल्टा कर देना, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, पर जिसका सबसे कम वैल्यू होगा वो आप कर लेना। ठीक है, इजी है। तो और कौन सा? नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आर लैम्डा 1। क्या दिक्कत है? लेवल उन्होंने दिए नहीं है बेसिकली, ठीक है, उन्होंने कोई लेवल नहीं दिया, तो आप बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे? ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल इन हाइड्रोजन एटम, तो 1 से 2 मान लो आप, ठीक है, या जो भी लोगे आप, बेसिकली आपको सेम लेना पड़ेगा, पॉइंट ये है। ठीक है, तो सेम लेना पड़ेगा, जो जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, तो 1/λ फॉर द सिंपलिसिटी के लिए 1 1 2 मान, तो आप n1 n2 के रहने दो, तो कोई दिक्कत नहीं। 1/λ RH × z² हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, ये रहने दो, 1/(n1)² / 1/(n2)² दूसरे के केस में क्या है? हीलियम के लिए इतने टफ टफ क्वेश्चन कराए थे हमने, RH हाइड्रोजन है ना, पर हीलियम है ना, तो 4 हो जाएगा, 1/(n1)² - 1/(n2)² तो अब इसको कंपैरिजन नहीं कर लोगे, ये लैम्डा 1 था, ये लैम्डा 2 था, क्या दिक्कत आ रही थी? ठीक है, और कौन सा? नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट कौन सा? 99, 84 हो गया था, हाँ हो गया होगा वैसे, 90, 91 हो गया था, मैंने नंबर ऑफ वेव्स निकालना नहीं पढ़ाया था शायद, एक मिनट, 99 से पहले 83 की बात करते हैं, बस An atom X has energy level the total number of line in the spectrum. ये तो हो जाना चाहिए था बेटा। अगर किसी में ऐसे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हुआ करे तो पहले सिंपलीफाई कर लो उसको, कि अगर हम मान लो किसी में 3 है, किसी में 3 एनर्जी लेवल है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो सामने देखो, पूछा तो n = 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे कितनी लाइनें हो सकती हैं? 1 से 2, 3 से 2 हो सकती है, 2 से 1 हो सकती है, ठीक है, ये तो हो सकती है। क्या पूछा है इसमें? द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे थ्री हो गया, टू से वन हो गया, और एक थ्री से वन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस इतनी हो जाएंगी आपकी। तो अगर इसमें बात करते हैं, फोर की बात अगर कर लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। एक्चुअली नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे ऐसे, ऐसे नहीं करेंगे, रुको गड़बड़ है। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, तो टोटल थ्री आ रहा है यहाँ पर। अगर फोर है तो फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आ जाएगा, ये सिक्स लाइन आएंगे, ठीक है। अगर फाइव है तो फाइव, फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखो अब अगर पैटर्न आपको दिख रहा हो, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी ना आए करो क्वेश्चन तो ऐसे सोच लिया करो। इसमें कितनी थी लाइनें, थ्री थी, ठीक है। तो थ्री को क्या लिख सकते हो, वन प्लस टू। यहाँ पे कितनी है, फोर को क्या लिख, फोर कहाँ, सिक्स होंगी ना, जब फोर नंबर पर जब टोटल ऑर्बिटल के जो लेवल्स हैं वो क्या है, फोर है, तो टोटल लाइंस कितनी है, सिक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कितनी लाइंस है, इसको क्या लिख सकते हो, पैटर्न बनता दिख रहा है अब आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर एक्स एनर्जी लेवल है तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा ये, थर्ड होगा, जब थ्री था तो वन प्लस टू हुआ था, जब फोर है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हुआ, वन प्लस टू प्लस थ्री हुआ है, जब फाइव है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हुआ है। तो अगर एक्स होगा तो कितना होगा, वन प्लस टू प्लस से एक्स माइनस वन तक जाएगा। नेक्स्ट कौन सा रहा है, 83। द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ सिक्स स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एमिशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम विल नॉट अकर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कौन सी नहीं अकर करेगी अगर ये स्टार्ट होता है कहां से। ओके, तो हो जाना चाहिए था, क्या दिया आंसर इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ओके, एक मिनट, इसको देखते हैं, बताता हूँ और कौन सा नहीं आया। हाँ, इन द अबो प्रॉब्लम, ऊपर वाले फोर, फोर्थ क्वेश्चन है, तो वहां पे दिया द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कुड बी, तो एमिशन लाइन कितनी आई आपकी, उसी से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें, फिर एब्जॉर्प्शन लाइन आपका कुछ नहीं होता, सिंपली आपको जिस भी लेवल पे जाना होगा उतनी एनर्जी दोगे आप, ठीक है। जैसे कि समझ लो, तुम वैलिड पॉइंट है, उसी से रिलेटेड था ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन 83 जो मैं कह रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपको, जब आप बात करेंगे, अगर आप एमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो पहले उससे पहले एब्जॉर्प्शन लाइन की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मान लो एब्जॉर्प्शन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने एनर्जी ली है, अगर आपने किसी एनर्जी दी, तो मान लो वन से टू थ्री फोर, तो ये पहले एब्जॉर्प्शन की हम बात करें, तो आपने यहाँ पे कुछ एच न्यू एनर्जी दी तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये ऊपर गया। अब ये जब वापस आता है तो इसके पास ऑप्शन है, ये ऐसे वापस आ सकता है, ऐसे वापस आ सकता है,
या फिर ऐसे वापस आ सकता है, या फिर ऐसे वापस आ सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वापस आते समय जब आपका एमिशन स्पेक्ट्रम होगा तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम वो दिखा सकता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी जो एनर्जी थी उसको स्पेंड कर सकता है। बट जब आप एनर्जी दे रहे हैं तो ये प्रिसाइसली उतना ही जंप मारता है जितना आप एनर्जी देते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सपोज कर लो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, 1 to 4 जाने पे 30 जूल एनर्जी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको 30 जूल दी तो ये ब्रेक कर करके जाएगा कि पहले 5 जूल खर्चा करके यहाँ पे जंप कर जाए, फिर बचे हुए 25 जूल खर्चा करके यहाँ पे जंप करेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रिसाइसली उतनी ही जंप होती है जितना वो आप उसे एनर्जी देते हैं। तो आपका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, आपके एनर्जी के हिसाब से होगा। तो एब्जॉर्प्शन कितना होगा आपका वहां पे, एक ही होगा, ठीक है, जो जंप मारेगा वो क्या होगा, एक होगा, जितना आप एनर्जी देंगे उसे आप, ठीक है। और कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, निकालना बट आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर काउंट करते हैं पहले आपका, जब आप क्वेश्चन में उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन द नंबर ऑफ एमिशन लाइन कुड बी, तो ये 4 से जंप मार रहा है, ठीक है। जब आपका 4 से जंप मार रहा है तो एक तो आपका 4 से 1 पे जंप मार रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग आप जो एनर्जी देंगे वो एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, 1 to 4 हो सकता है, ठीक है। फोर एनर्जी, फोर लोएस्ट, फॉर द फोर एनर्जी लोएस्ट द नंबर ऑफ एमिशन लाइन, ओके। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जंप मार रहा है, उसके बाद ये क्या कर सकता है आपका, सॉरी, यहाँ से सपोज कर लो यहाँ पे जंप मार रहा है, ठीक है, तो एक करेस्पॉन्डिंग ये होगी आपकी एनर्जी, उसके बाद एक यहाँ पे ये जंप मार रहा है तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे टोटल ये 3 होंगे जो लोअर एनर्जी लेवल से आपकी जंप करेंगे। क्या दिया, आंसर क्या दिया इसका, ओके। ऐसा कोई काउंट करने का फॉर्मूला नहीं होता इस केस में, वरना बता देता मैं पहले। नेक्स्ट कौन सा है आपका, 90 कौन सा था, 90, 99, क्या भी बताता हूँ, 99 से पहले और कोई है, 91 हो गया था, कैसे किया था, टू पाई आर अपॉन लैम्डा, नहीं, 4 तो वाला क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, किसका हो गया था 91, अभी करो सभी लोग, ठीक हाइड्रोजन के लिए है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है ये।
उसका 83 का आंसर क्या दिया है? 4 5 6 1 2 3 तो नहीं होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा है ना, तो होना तो 4 5 6 चाहिए। चलो बताता हूँ मैं, ठीक आंसर बेटा 83 का सही कर लो, 4 5 6 होना चाहिए, 1 2 3 नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार श्योर कर लूंगा, बट 4 5 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और बताइए, हो गया क्वेश्चन वो कैसे क्या बताइए? हाँ तो क्या होगा, n h / 2 π, तो बताइए मास मास के बारे में रखते हो, वेलोसिटी आर। बिल्कुल सही कह, देखिए आपको तो आपको दिया गया फोर्थ ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू रख देना। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता था 2.18 × 10^6, आगे क्या होता था Z/N, ये रख के निकाल लेना आप। Z की वैल्यू आपको पता है हाइड्रोजन के लिए, एन आपको दिया है 4, ठीक है। यहाँ पे सब ये एन और ये एन थोड़ा अलग है, बट देख लेंगे ठीक है, एन डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0.52 ना, हाँ मतलब 0.52 × Z² / (n²/Z) होता है, ओके। तो (n²/Z), तो यहाँ एन डैश मान लेते हैं, तो ठीक है। तो जब इन सबको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ये एन की 2 थी, और यही आपकी वैल्यू को 3.96 के आसपास आ गई, एग्जैक्ट 4 नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो एन होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स हो जाती है बेसिकली, ठीक है। और बताइए उसके बाद 95 हो गया था सबका, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है 95, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। क्या होगा,
हाँ एक चीज देख ले, इस क्वेश्चन में देखो, एक मिनट, ये चीज देखना, ये एक्चुअली मुझे अभी वही लग रहा था। ये देखो एक मिनट, यहाँ पे जो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को नहीं हुई, ये अजीब बात है कि ये एन जो है इसको हमने वेव नंबर क्यों ले लिया है, ठीक है? तो समझना है, रादर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। देखो इधर, ऑल्दो मैंने भी ऐसे किया था बट अभी मैंने सोचा। देखो जब आप किसी, अगर मान लो आप कह रहे हैं कि कोई वेव होगी, ठीक है, या कोई भी जो लेंथ होगी वो वेव होगी, तो मान लो आप एक सर्कल को लेते हैं, ठीक है, ये तो शायद मैंने कराया था। एक सर्कल पे अगर आप वेव को ट्रेवल कराते हैं और कहते हैं कि अगर इस सर्कल में कितनी वेव होंगी, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, इस सर्कल पे कितनी वेव होंगी, तो बेसिकली जो भी होगा इस सर्कल का, अगर जो सरकमफेरेंस है वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताना वही आएगा नहीं आएगा। तो इसकी जो सरकमफेरेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी, एन लैम्डा होनी चाहिए। मतलब लैम्डा क्या होता है, एक होता है अगर कहीं पे बीच वेव में, अगर एक सर्कल है मान लो, सिंपल सा चीज सोचो, ये डिस्टेंस जो है मान लो, अगर ये आ, आ, 8 फीट है सपोज कर लो, और मैं 5 फीट हूँ, तो इतनी डिस्टेंस में कितने मैं आऊंगा, मतलब एक ही आऊंगा, मतलब मुझे काट तो सकते नहीं बीच से, ठीक है? तो आपका जो वेव है उसका वेवलेंथ अगर जो लैम्डा है, ठीक है, वो अगर आपके सर्कमफेरेंस का मल्टीपल नहीं हुआ, तो क्या वो पर्टिकुलर सारी वेव आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगे ना। तो अगर वेव को ढंग से शिफ्ट होना है किसी एक पर्टिकुलर लेंथ में, तो उसको क्या होना पड़ेगा, लैम्डा का मल्टीपल होना पड़ेगा आपको। तो यही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं आप, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। और लैम्डा कैसे निकालोगे आप, लैम्डा कैसे निकालोगे, एच अपॉन mv, ठीक है, आ वही जाता है चीज, यहाँ से भी आएगा mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आएगा। आंसर सही है वो, ठीक है, बट थॉट समझ लो क्या है, ठीक है, तरीका सही था वो, लेकिन ये क्योंकि ये प्रॉब्लम देना चाहिए आपको कि वहां पे जो एन था उसको कई बार हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह यूज कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो अभी बोला मैंने, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 95, उसमें जो एन की वैल्यू बराबर आपका 3 आ रहा है, तो आप उसमें आंसर 3 मान ले रहे हैं। तो कई बार हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लेते हैं और इसको नंबर ऑफ वेव की तरह भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि एन को जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका उसको हम एज ए नंबर ऑफ वेव क्यों लिख पा रहे हैं, ऐसा मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। तो हम क्यों लिख पा रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से, ठीक है, कॉन्सेप्ट होने आगे कि अगर कहीं पे आपको फिट होना है तो उसको वेव को क्या होना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस का मल्टीपल होना पड़ेगा, और लैम्डा की जगह पे आप डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं। तो आंसर वही आएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, बट आपका ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तरीका डिफरेंट है, तो ये समझ लो। क्लियर पॉइंट। अगला कौन सा, 99 पे आते हैं, व्हाट शुड बी द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन स्टेट ब्रो, कौन करेगा ये, करिए सभी लोग अपनी कॉपी में, 99, 99 वाला करिए। क्वेश्चन नंबर 99 करिए आप लोग भी जो ऑनलाइन है। ना, हो गया, मतलब एक बार फिर कितना टाइम हुआ, 8:30 से पूजा के लिए जाना है नीचे, कितना हुआ, हलवा मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 8:30 बोला था उसने, मार्केट में तो पूछना पड़ेगा, पूछ लेंगे हलवा जब मिलेगा चले जाएंगे पूछेंगे।
व्हाट शुड बी द मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ पार्टिकल इफ डी ब्रॉगी. डी ब्रॉगी वेवलेंथ दिया हुआ है आपको. किसका बज रहा है ये? साइलेंट रिंग लगा लो ना. ना भी कौन याद कर रहे है. If it's D Broglie wavelength is one instrument the value. बेटा ये क्यों नहीं हुआ? नहीं इनसे कह रहे क्यों नहीं हुआ ये? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू रखनी है इसमें. हाँ बस पावर सॉल्व करनी है. इसमें तो ये भी दे दिया, अगर ये नहीं देते मतलब पता होना चाहिए आपको अर्ग और जूल में क्या रिलेशन होता है 10^7 का ना. देख लेना आंसर जो भी है. कर लिया ये बताऊं ये कर लिया? नहीं नहीं कर लेते करो जाके बेटा. ऐसे नहीं कर रहा थे. जो भी नया पूछ लो कैसा भी क्वेश्चन हो. नहीं कर दो प्रॉपर लिख दो. लिखने में क्या जा रहा है? उल्टा पकड़ना ज्यादा इजी हो जाएगा. उसके बाद तो बहुत इजी है. थोड़े जे एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से टफ है, अदरवाइज बाकी पूरा इजी है बहुत. चलो अच्छा एक देखते कितने लोग ढंग से सुनते हो क्लास में. पेज नंबर 75 खोलो. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो और आंसर बताओ. और किसका किसका हो गया बताना हाथ उठा के. अभी अभी पढ़ो सभी लोग. देखते हैं ढंग से कितना सुनते हो क्लास में. क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नहीं देखना है तो ऑनेस्टली देखो और बताना मुझे कितने लोगों का हो गया. हाँ एक मिनट हाथ बस उठा लो. हाथ उठा लो बाकी मैं बताता हूँ. नीचे कर लो मैं मतलब पूछ लेंगे. आंसर मत देखना. देखो बेटा हो गया. देखो सामने क्या नाम है प्रियांश. हो गया ठीक है हो गया. छठा वाला किसका किसका हो गया हैंड रेज करना. पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 6. बस दो ही लोग हुआ तीन लोग ही हुआ क्या होगा? हाल तो बकवास गलत है. और नहीं उठाया क्यों नहीं यार उठाया जाता है. और किसका किसका उठा हुआ है? किसका किसका डी आया है? डी हाँ क्यों डी क्यों होगा? हाँ एक मिनट नीचे चलो. हाँ मैं ये कह रहा कितने लोग ढंग से क्लास में सुनते हो. मैंने क्लास में बोला था कि वो अप एंड डाउन को रिप्रेजेंट करता है. वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ाने के लिए बोलते हैं. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता ठीक है. मैंने बहुत क्लियरली क्लास में ये बोला था कि ये क्वेश्चन ध्यान रखना ठीक है कि जो स्पिन होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता. वो जब समझाने के लिए हम बोलते हैं स्पिन अप होती है डाउन होती है और वो भी अप और डाउन उस सेंस में नहीं होती जिस सेंस में हम बोलते हैं. तो बस तो ये ध्यान रखना है आपका ठीक है. तो डी होगा आंसर. चलिए वापस आते हैं. अभी करते हैं पहले
खोलिए पेज नंबर 51 पे जनाब, बताइए क्वांटम नंबर में कोई डाउट हो। 105 बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ 104। विच सबशेल इज नॉट परमिटेड, परमिसिबल कौन सी, तो क्लास में लिखा है ना विच इज नॉट, मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल के लॉज होते हैं NLMN, उसके बेसिस पर कौन सा परमिसिबल है कौन सा नहीं है। परमिसिबल मतलब एग्जिस्ट करती नहीं एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज देख लो, एक मिनट, मुझे एक चीज बतानी थी, मैंने बताई नहीं है, अभी ध्यान से देखना, शेयर करना होता है ना स्क्रीन। गूगल कहाँ है यार? ये स्क्रीन शेयर किया तो दिखना चाहिए ना आपको। स्क्रीन ही शेयर, अच्छा बेटा, जो लोग ऑनलाइन हो आपको दिख रहा है जो मैं खोल रहा हूं, बातें मत करो, बंद हो गया क्या ये जूम, बंद हो गया क्या? शेयर तो सही है यार, ये मैं बना नहीं पाता ढंग से, इसलिए मैंने उस दिन जिस दिन नोडल ट्रेन पढ़ाया था उस दिन दिखाया नहीं था, या तो मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ, बट कोई नहीं इतना तो चलता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, या तो लिख लेना कि इंटरनेट पे देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप उतने ढंग से बना नहीं पाएंगे कॉपी में ये। हाँ चित्र कहाँ गया? ये सब नहीं पढ़ना है आपको। रिफ्यूज टू कनेक्ट हो रहा, देख रहा तो वेट, आई गेस दिख तो जाएगा इतने में, दिख रहा है सबको? जूम तो होगा नहीं, ओके सबको दिख रहा है ना, पॉइंट ए, ओके। तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जैसा मैंने बताया था जहाँ पे क्या होता है आपका एग्जिस्टेंस, बेसिकली क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ऐसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा था, एक्स और वाई और जेड, पी एक्स और पी वाई और पी जेड में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंपल जहां पे वो पॉइंट होता है वहां से प्लेन डाल दो, ये अभी मैं दिखा दूंगा उसका भी। डी में प्रॉब्लम आती है इमेजिन करने में, तो ढंग से देखना, जैसे कि डीएक्स वाई है आपका, डीएक्स वाई आपको कैसे एग्जिस्ट करता है, बनाया था ना कॉपी में, डीएक्स वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है या इन बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करता है, देख लो भाई, नहीं आते तो DXY कैसे एग्जिस्ट करता है? हाँ जैसे सामने ही बना हुआ है, इन बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करता है या अलोंग द एक्सिस एग्जिस्ट करता है? हाँ इन बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करता है, तो ये को DXY है आपका, ठीक है। अब जो DXY है आपका, इसके जो नोडल प्लेन है ये ऐसे होंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका XY ऐसे है ना बेसिकली, वो ऐसे है, देखो ऐसे है ना वो बेसिकली, तो एक जो प्लेन होगा वो क्या होगा ऐसे जाएगा, और दूसरा जो प्लेन होगा वो क्या होगा ऐसे काटेगा, तो वही आपका लिखा हुआ देखो। तो इसमें दो प्लेन होते हैं, इसके दो नोडल प्लेन होते हैं, इसके भी वाई जेड भी ऐसे ही होगा, ये तो डी एक्स जेड एक्स भी ऐसा ही होगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसको इमेजिन करना और ज्यादा इजी, वो तो एकदम परपेंडिकुलर ही होते हैं बेसिकली एक दूसरे के, होते ये भी है बट ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा आपका, एक इन बिटवीन जाएगा ऐसे, एक ऐसे जाएगा, ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका रिंग होता है यहाँ पे डी जेड स्क्वायर का,
डीजेड स्क्वायर में जो आपके नोडल प्लेन होते हैं वो कोनिकल होते हैं, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कई बार लोग कोनिकल प्लेन को प्लेन मानते हैं, कई बार सीधे सीधे कह देते हैं जीरो होते हैं नोडल प्लेन, बट आप जीरो मत लेके चल रहे हैं। मैं बता दूंगा स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा। मेन पॉइंट ये कि इसके जो नोडल प्लेन है वो क्या है, कोनिकल शेप में, आप देख सकते हैं, देख रहा है सबको, ये जो शेप है ये कोनिकल शेप होती है। तो ये नोडल प्लेन के ऊपर क्वेश्चन इसमें उसमें भी दिए और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि नोडल प्लेन कौन कौन से होते हैं, या अगर कितने नोडल प्लेन होते हैं टू बी मोर प्रिसाइज। तो इनमें क्या लेंगे आप, नोडल प्लेन आपके कितने हैं, टू नोडल प्लेन्स हैं, ठीक है? और जबकि इसका नोडल प्लेन क्या है आपका, कॉनिकल है, ठीक है? क्योंकि ये कैसे होता है, बीच में रिंग होती है ऐसे, तो ना तो आप ऐसे डाल सकते हो ना तो ऐसे डाल सकते हो, तो जो नोडल प्लेन हो रहा है वो क्या जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इसका नोडल प्लेन क्या है आपका, कॉनिकल है। क्लियर है पॉइंट? तो ये नोडल प्लेन होते हैं इसके, और अच्छे से देखते हो तो आई गेस ये पिक्चर ज्यादा अच्छे से दिखा देगी आपको, ठीक है? मतलब आई गेस ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है? और जो पी का नोडल प्लेन होता है वो तो सिंपल होता है, मैंने बताया था जहां पे नोड होते हैं वहां से एक प्लेन पास कर दिया, इनमें एक ही एक नोडल प्लेन होता है, देख सकते हैं आप। तो नोडल प्लेन का एटलीस्ट मतलब समझ में आ गया आपको, डी में कितने होते हैं, दो होते हैं, पी में कितना है, वन ही वन है, ठीक है? इसमें तो कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई पूछता नहीं है, ठीक है? ये आपको याद रखना कि उसमें दो होते हैं, इसमें एक एक नोडल प्लेन था, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या बताया था नोडल प्लेन का, एल माइनस वन था जो भी था, एन माइनस, ओके देख लेना जो भी फॉर्मूला था, वैसे जरूरी नहीं फॉर्मूला, यहाँ पे आपको ये देखना था। ओके तो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर फोर पे बात कर रहे थे ना, फोर हो गया, फाइव वाला नोडल प्लेन इज फाउंड इन विच ऑर्बिटल, अब कर सकते हैं आप, सोचिए आप। पेज नंबर वही 51 पे क्वेश्चन नंबर 105 पूछा था ना आपने, आप बताइए कर लेंगे आप। एस में होता नहीं है नोडल प्लेन, ठीक है? पी और डी में केवल और एस में होते हैं, तो पी में वन होता है, डी में कितने होते हैं, दो होते हैं, एस का आपको पढ़ना नहीं है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा आंसर, थर्ड होगा, क्लियर है? क्योंकि एल इक्वल टू वन वही है, और कौन सा क्वेश्चन ना, 105 और 106 में क्लियरली डिफरेंस है, बहुत क्लियरली समझ लो, ठीक है? वो नोडल सरफेस बोल रहा है और नोडल प्लेन बोल रहा है, ठीक है? तो नोडल प्लेन अलग चीज होगी, नोडल सरफेस अलग होगी। तो नोडल सरफेस आपके नोड निकालने के कितने होते हैं, नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था आपका, हाँ ये जो भी फॉर्मूले थे वो क्या थे आपके, एन माइनस एल माइनस वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके, अगर 2s ऑर्बिटल लिया तो उसमें कितने नोडल सरफेस होंगे, वन हो जाएगा, ठीक है? एन माइनस एल माइनस वन से वन हो जाएगा आपका, ठीक है? और कौन सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, फोर होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन करने के लिए तो पढ़ाया था बहुत अच्छे से, क्या गलत है बेटा? अगर पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हो, डेजिग्नेट करने के लिए फोर वो चाहिए होता है, स्पेसिफाई तो थ्री से भी कर सकते हो आई गेस, एंड हाँ नहीं, डेजिग्नेट मतलब एक जगह पे दो हो गए ना, तो यहाँ पे आपको अलग अलग उनको डिस्टिंग्विश नहीं करना है, केवल आपको पोजीशन बतानी है कि इस ऑर्बिटल में कहाँ पे क्या है, समझ लो क्वेश्चन, ठीक है? वैसे बट फालतू का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लैंग्वेज वैसी है कि स्पेसिफाई करना चाहते हो, डेजिग्नेट करना चाहते हो, तो जैसे एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने तब भी तो पोजीशन तो बताई थी ना, लेकिन अगर उसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ही ले जाना है, स्पेसिफिकेशन हुआ कि ये 3s ऑर्बिटल में है या 4s ऑर्बिटल में, अब उसमें जब दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उनको आपस में डिस्टिंग्विश करना है, तब आपको क्या चाहिए, स्पिन ऑर्बिटल नंबर चाहिए, बट पोजीशन स्पेसिफाई तो तीन से भी हो जाएगा, थ्री होगा बेटा, नहीं वो अब मैं भी फोर ही बोला था ना पहली बार में, बट अगर ढंग से सोचो तो पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए तो आपको तीन ही चाहिए ना, अब वहां पे डिस्टिंग्विश करना है अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चौथे की जरूरत है। अगर आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना सपोजिटली, तो आपको कितना चाहिए, तब तो तीन ही हो जाएंगे, तीन से काम चल जाएगा, तो स्पेसिफाई पोजीशन स्पेसिफाई करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा है,
हाँ पोजीशन स्पेसिफिकेशन, बट अगर क्वेश्चन ये होता स्पेसिफिक स्पेसिफाई या नहीं लेटर तब क्या होता, तब चार होता। बहुत क्लियर समझो, लैंग्वेज ऐसे इतना जेई वाले ये सब करते नहीं है, मतलब जैसा इन्होंने किया। समझ लो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एक कहेगा आपसे स्पेसिफाई द पोजीशन और एक बार कहे स्पेसिफाई द इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करना है तब आपको क्या चाहिए होगा, चारों क्वांटम नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट अगर आपसे कहे स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो आप तीन से भी काम चला सकते हैं। तो मतलब समझ में आ गया दोनों का आपका, फालतू तो का है भाई कह रहा। क्वेश्चन और कौन सा है, विच ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाई कंप्लीट वेव फंक्शन। बेटा इसका मतलब होता है आपको फाइव, जब ऐसे लिखते हैं तो ये मतलब एन एल एम लिखा है, 4 है 2 है 0 है, ठीक है, इसका मतलब है एन एल एम है, ठीक है, ये जो आपको वो लिखा है इसका मतलब एन एल और एम दिए है आप, ठीक है। और कौन सा, 120, इफ एल नंबर ऑफ और एल इक्वल्स टू 3 में क्या हो सकता है, एल इक्वल्स टू 3 आपका क्या होता है, एफ होता है आपका, क्या दिक्कत है बेटा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एल इक्वल्स टू देन द नंबर ऑफ, अच्छा 5, हाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोला बेटा, तो ऑर्बिटल तो साथ ही होंगे ना, 5 है 4 7 ऑप्शन है, ऑप्शन चेकिंग करनी पड़ेगी आपको, बगल में क्या लिखा है उसके देखो ना, 14 इलेक्ट्रॉन लिखे ना, 14 ऑर्बिटल लिखे ना, तो ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं एफ में, 7 हो सकते हैं ना, तो ऑप्शन चेकिंग करनी पड़ेगी आपको, तो 7 होगा ना। और कौन सा, 112, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन इक्वल्स टू 5 एम इक्वल्स टू 2। चलो करते हैं, एन इक्वल्स टू 5 है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़िया। और उसके बाद क्या बोला आपको, एन की वैल्यू कितनी है, 2 दिया हुआ है, एम की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, एल की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 1 2 तक ही हो सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ, एक पर्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए एम की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से +2 तक, मतलब माइनस से प्लस इंक्लूडिंग 0। तो अगर एम की वैल्यू 2 है, अगर एम की वैल्यू 2 है तो, एक मिनट बेटा, अगर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 के लिए 0 1 2 3 4 तक हो सकता है, तो सारे ऑप्शन है अभी। उसके बाद m इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, हाँ वो सही है, एक जीरो भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो तो क्या, देखो बेटा अब आंसर क्या दिया, 2। देखो तो अगर आपके पास गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 है, ठीक है, तो अब आप इससे देख लो क्या चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन में इनमें से कोई वैल्यू है ना, तो इसके बेसिस पे आंसर एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको दिया एम इक्वल्स टू 2, ठीक है, अगर आपको एम इक्वल्स टू 2 चाहिए तो एल की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर एल की वैल्यू 2 है तभी तो -2 2 +2 होगा, तभी तो एक वैल्यू ये होगी, एल इक्वल टू 3 है तो -3 2 +3 होगा, तब एक वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर एल इक्वल टू 4 है तो -4 2 +4 होगा, तब एक वैल्यू आपकी क्या आएगी, +2 आएगी। बट अगर एल की वैल्यू 0 या 1 है तो क्या कभी एम की वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, तो आंसर कौन सा नहीं होगा, बी वाला, क्योंकि उसी में एल की वैल्यू आपको 0 और 1 दिया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट।
अगला कौन सा है? आपका ये सेकंड क्लास था ना, रुकने का कोई मतलब नहीं था आपके, मतलब आज क्योंकि आपने पैकेज किया नहीं है और चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? तो मतलब टाइम मतलब देख लेते, पूछ लेते एक बार, मिस कर सकते, मैं कह रहा हूँ, मैं इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन मतलब पता है कह रहे हो तो खुद ही कहते ना हो, वो पॉइंट नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपका टाइम भी पढ़ सकते थे उससे अच्छा कुछ और। अगला कौन सा है? अरे बेटा ये तो हो जाना चाहिए ना, DXY होता कैसा है, जब DXY होता ही ऐसा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके इसी एक्सिस पे तो पाए जाएंगे, तो यहीं पे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कौन सा है? 127 कौन करेगा आके? सेवन मैथ का है, मतलब केमिस्ट्री नहीं है, मैथ है, मैथ भी नहीं है, मतलब चिल्लर एडिशन है। सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, मतलब पता है ना ये साइन जो ई वाला है, सिग्मा है। क्या 119 अन्यूट्रल एटम है, 2K8L11M2N इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, तो के में दो होते हैं, एल में भी दो होती हैं, एम में भी, क्या दिया आंसर इसका? हाँ दिक्कत क्या है, मैं समझा नहीं। क्या दिक्कत है बेटा, देखो इधर तो मतलब ये देखो इधर, क्यों मत आ रहे भाई, देखो इधर, दो के में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एल में कितने? एल 8 है, एम में 11 और एन में 2, ठीक है, तो ये आपकी पहली शेल होती है, पहली शेल होती है तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 वाले होंगे, दूसरी में 2s2 ही तो होगा, तीसरे में 3s2 होगा, बाकी जहां होंगे वो जहां जाएंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं है, चौथे में 4s2 होगा, हो गया 8 हो गए। अब आपसे पूछे इसमें पी कितने हैं, तो बताओ पी कितने, अगर मान लो पूछे आपसे कि टोटल पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पी घटना नहीं है, सोचो पी कितने होंगे, यहाँ पे 2s2 हो गया, अब क्या होगा, 2p6 होगा, यहाँ पे कितने 3s2 है, 3p6 होगा, तो 12 हो गए, ठीक है, पी में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, डी में कितने होंगे, बस यही है, कुछ भी नंबर दे दो, कौन बोल रहा है, 3d3 होगा, तो आपको बस ये करना था, ठीक है, और कौन सा? बताओ भाई, या 12 बजे तक रुकने का इरादा हो तो करो, मैं जाता हूँ, मैं सो के आता हूँ, आप बैठ के यहाँ पे अटेम्प्ट करो, फिर 11 बजे के बाद डिस्कशन शुरू करेंगे ना। सर ये क्वेश्चन बताइए कौन सा नहीं करा, आई होप एटलीस्ट लिख ले रहे हो सोल्यूशन, जो क्वेश्चन हो जा रहा है, नहीं पता लगा चल रहा है यहाँ पे, हाँ तो ये कर तो ले पहले पूरा, हो गए सारे बाकी, बाकी हो गए ना रूल्स फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल, देख लो बेटा, एटलीस्ट नहीं किया तो एटलीस्ट इतना तो आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन उनसे एक बार में लग जाएगा एक बार में नहीं लगेगा, तो देख लो जो टफ लगे वो पूछ लो, ठीक है, तो ताकि जब आप लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन जो लोग हैं उन्हें कुछ पूछना है बेटा कि माई 121 अभी बताया आपको, एन एन एफ ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, बताओ भाई कौन बताएगा,
कोई भी एक ऑर्बिटल जो होगा वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। एनएफ सबशेल अगर पूछा होता तब कितने होते? अगर यहाँ पे ऑर्बिटल की जगह लिखा होता एनएफ सबशेल के बारे में बात किया होता तब कितने होते? तब 14 हो जाते ना। अगर एनएफ सबशेल लिखा होता तो 14 हो जाते। ऑर्बिटल की बात की तो ऑर्बिटल तो एक ही होता, उसमें 7 ऑर्बिटल होते एक सबशेल में, तो चाहे जैसा भी ऑर्बिटल हो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और कौन सा? This is a tough theory, darling. बताइए। टू एंगुलर नोडल पेन तो थर्ड पार्ट सही है। अभी दिखाया भी ना, पिक्चर दिखाई थी ना। क्या सारे होते हैं हाँ ये कर लो एक्सरसाइज, फिर ऐसा करते मैं पढ़ा ही देता हूँ, फिर करके लाना ये जो प्रीवियस है नेक्स्ट क्लास में तब पढ़ा देंगे। ठीक है, सब आपने पूरे कर लिए? सही है, पूछ लेना मेरे से, आप अलग से पूछ लो। ठीक है, या वेट कर सकता तो बाकी क्या उससे क्या बता रहे हो कि वो सारे कर लाए तो करके ले आया तो अच्छी बात है ना। नहीं ऐसे उंगली उसकी तरफ दिखा कहते वो सारे कर लाए तो मुझे लगा उसके बारे में कह रहे हो कि वो सारे करके ले। ओके नेक्स्ट बताइए, इसमें रूल्स फॉर द ऑर्बिटल्स में नेक्स्ट करने कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्लास में कर ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कर लेंगे सर, तो थोड़ा ऐसे मजा भी नहीं आता ना। ठीक है, और वो मैं बता देता हूँ जो आप एक्सचेंज एनर्जी वाला कह रहे थे। करिए सब लोग, तब तक ये वाला कर लो एटलीस्ट 153 तक अभी देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे वो कर लेंगे। ठीक है, AIPMP और JEE वाले एटलीस्ट सब लोग ट्राई करके आएंगे, तब तक मैं पढ़ा देता हूँ, मैं बुलाएंगे नहीं, चिंता नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज एनर्जी का क्या था कि वही जो पढ़ा है पता ही, पिछली क्लास में एम्प्लॉयड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे कि मान लो ये तीन है पहले, तो तीन है तो आपस में एस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्सचेंज होने का कितना ऑप्शन है? एक और दो। ठीक है, जब पांच इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने एस इलेक्ट्रॉन के पास कितने होने के ऑप्शन है? ठीक है, तो मतलब अगर ऐसे ही देख रहे हो एक्सचेंज सिंपल, जबकि इसको ऐड करने का तरीका अलग होता है कि पहले के पास कितने ऑप्शन है? दो के ऑप्शन है। ठीक है, जब एक एक्सचेंज हो जाएगा तो ये जो आएगा इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? एक ही ऑप्शन बचता है, तो टोटल तीन आता है। अब यहाँ पे देखो, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितने ऑप्शन है? चार। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको ये तो पिक्चर से हट गया, इसके पास कितने ऑप्शन बचे? इसके पास कितने बचे? दो इसके पास, एक तो इस तरीके से। अब अगर कोई पेयर्ड हो गया तो पेयर्ड वाली चीजें एक्सचेंज नहीं होती, मतलब उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये है ऐसे ऐसे है, तो इसके पास कितने ऑप्शन है? केवल एक ही। और जो पेयर्ड अप है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको एक्सचेंज करने कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीज बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 130। इफ एन एंड एल आर वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल ए
तो बेटा ये तो एन प्लस एल वाला बताया था कि ए के लिए एन प्लस एल बराबर कितना होगा। अरे रुक जाओ पहले, किसने पूछा था 132। हाँ तो n प्लस एल बराबर कितना होगा, 5 होगा, और b के लिए कितना होगा, 5 होगा। अब दोनों हाँ तो n का निकल। अब क्या पूछ रहे हैं आप, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s प्लस 1, और टोटल स्पिन का मतलब होता है कि जो आपका स्पिन है सिंपली, मतलब उसका सम कर दो, प्लस या माइनस जो भी होगा। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2s प्लस 1। तो कितना हो गया, 3 हो गया। बट अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे बात करते तो यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी होगी, 0, बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो एक चीज होती है, और कौन सा, ये अभी आपको हेल्प नहीं देगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो ऑर्गेनिक में समथिंग आप करके पढ़ेंगे, रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है, अगर आपको का तो एग्जाम होने वाला है ना। अच्छा एक बार आपके एग्जाम में क्या, अच्छा पढ़ सकते हो, ठीक है, आप ओके चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हो गया, तो तब तक आप पीएमटी वाले पूछ रहे हैं टेस्ट, तब तक थोड़े तो कर ही लेते हैं खाली। ये जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इधर, 8 क्वेश्चन का जो पीएमटी वाला ऑप्शन है ए, उसमें एन डी लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन जो ए है 8 का, उसका जो दोनों में एनडी एनडी लिखा, तो आखिरी वाले में एनपी कर लेना, एन माइनस वन डी और एनडी दो बार लिखा है ना डी, तो वो आखिरी वाला एनपी होगा। जो एआईपीएमटी में क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑप्शन ए है, तो उस ए ऑप्शन में दो बार डी लिखा हुआ देखेंगे आप, एन माइनस वन डी और एनडी, ठीक है, तो उसे एन और पी कर देना, क्लियर है। बाकी ऐसा तो इजी है। क्या ये पी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके इसमें पी बड़ा वाला पी नहीं दिया हुआ बेटा, छोटा पी दिया हुआ है, एल वाला होगा वो, ठीक है, अगर कैपिटल पे लिखा होता तो बात अलग थी, यहाँ पे स्मॉल पे लिखा हुआ है। और कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18 58 में, पेज नंबर 58, इजी है बट फिर भी करिए, एटलीस्ट इतना समझ में आएगा कि आप लोग थ्योरी कितने अच्छे से याद है। आपको अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो लगा होगा इजी है ना, मतलब ऐसा डिफिकल्ट तो लगे नहीं। कितने क्वेश्चन फंसे थे, क्या? नहीं नहीं पूरे में नहीं, मैं केवल इस सेक्शन में बता रहा हूँ, आईआईटी और मेंस में और पीएमटी वाले में, ज़रा बस 5 ही से फंसे होंगे एट मैक्स, और वो भी नहीं फंसेंगे, मतलब लगभग पूरे हो गए होंगे आउट ऑफ 5। कौन सा उनसे फंस गए बताना, कौन सा नहीं आया, फंस तो कराया हुआ है। हाँ
बेटा एनर्जी का आपको दिया हुआ है और वेवलेंथ का पूछा है, तो E इज इक्वल टू एफ सी बाई लैम्डा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? E इज इक्वल टू एफ सी बाई लैम्डा होता, अब ऐसे पत्र है तो इनको फंसना नहीं कहते हो, मतलब फिर आपने कैलकुलेशन करते हैं। और कौन सा नहीं है? और ठीक है फिर तो इतना चलता है, मतलब ये ऐसी गलतियां करोगे तो क्या ही कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई थी ना। कर लिया 18th वाला। चलिए ठीक है, आप पढ़ाई देते हैं फिर, और बाकी लोग करके ला रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और इसको खत्म कर देंगे ठीक है फिर, मतलब नेक्स्ट क्लास में, आई मीन नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। करके नहीं लाओगे तो फिर मैं अपने मन से ही खत्म कर दूंगा, और क्या करेंगे ठीक है। अगले कहाँ पे थे हम पिछली बार? कहाँ पे थे हम? बी ब्लॉक। रेडियस नहीं तो थे, मतलब हाँ तो रेडियस का ही तो कर रहे थे, हाँ एक्सेप्शन थे बेसिकली, एनामलस बिहेवियर में था। तो समझो जरा, डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जनरली क्या देखा जाता है कि जब आप डी ब्लॉक पे अलोंग ऐसे डालना, पहले अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली क्या होना चाहिए, आपका जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, आपकी घटनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, अलग अलग बुक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिया है, तो मेरा आपको एक जनरल आइडिया बेसिकली दे रहा हूँ। होता क्या है जब आप इसमें मूव करते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो होता क्या है कि आपका रेडियस डिक्रीज करता है, जैसे सब जगह करना चाहिए, तो मैग्नीज तक पहुंचते पहुंचते आपका डिक्रीज करता है, और मैग्नीज का जो आयरन कोबाल्ट और निकल आते हैं तो ये डिक्रीज करता है अभी भी, बट बहुत ही, मतलब एक एक नैनोमीटर में डिक्रीज करता है, ठीक है, या एक एक नैनोमीटर में चेंज होता है। एक नैनोमीटर कितना होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो कोई मतलब नहीं। तो हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नीज है सपोज करो लोएस्ट, फिर फेरियम, सॉरी फेरम कोबाल्ट एंड निकल में क्या होता है ऑलमोस्ट बराबर होता है, ऑलमोस्ट हल्का सा इंक्रीज होता है, बट हम कहते हैं ऑलमोस्ट बराबर होता है। फिर ये जो कॉपर और जिंक है इनमें क्या हो जाता है, साइज बढ़ता है फिर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर अलग है, मतलब जैसे बाकी सब में क्या होता है डिक्रीज करता है, यहाँ पे क्या करता है पहले डिक्रीज करता है, फिर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, फिर क्या होता है आपका इंक्रीज करता है। ये है आपका 3D सीरीज, ठीक है, 4D सीरीज और 5D सीरीज भी यही ट्रेंड करते हैं, ठीक है, बट जैसे यहाँ पे मैग्नीज में लोएस्ट होता है, वहां पे लोएस्ट हो सकता है किसी और नंबर पे, वो आपको रखना नहीं है, बस 3D सीरीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है इन तीनों का लगभग बराबर होता है, मैग्नीज की सबसे कम होता है, फिर कॉपर और जिंक में क्या होता है आपका इंक्रीज करता है, और 4D और 5D में भी यही ट्रेंड, जो पैटर्न है ये यही होता है, ठीक है, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका यहाँ पे डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है, रीजन क्या है इसका समझो, रीजन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आ चुका है जे में क्वेश्चन, बहुत पहले आया था लेकिन, तो रीजन क्या होता है इसका समझना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका क्या होता है, पहला चीज क्या है आपका जेड इफेक्टिव जो होता है आपका, जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो बोल सकते हो आप, क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का क्या होता है इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा,
सेम चीज उसमें भी होती थी पी ब्लॉक में, बट हमने उतना ध्यान नहीं दिया था और इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे जब लेफ्ट राइट जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, उतने नहीं बढ़ते बट फिर भी क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, शील्डिंग क्या होगी, शील्डिंग बढ़ेगी। शील्डिंग बढ़ेगी तो आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दो अपोजिट फैक्टर है, ये अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहा है, क्यों, ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आपके बढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, हम शील्डिंग बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो इसको मान लो हम एक्स नाम दे देते हैं ऊपर वाले फैक्टर को और नीचे वाले फैक्टर को वाई नाम देते हैं। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल ग्रुप में पढ़ रहे थे तो ये एक्स वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता था, ठीक है, हमेशा उसमें कुछ आपको सोचने नहीं था। ठीक है, वहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, अगर आपको याद है, ऐसा नहीं कि दो से तीन गए फिर चार गए पांच गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, बड़े वहां पे भी रहते लेकिन वहां पे ये फैक्टर डोमिनेटिंग होता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जाते हैं तो आपका क्या होता है, जो पहला फैक्टर है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस वो क्या होता है, डोमिनेट करता है। ठीक है, सेकेंड केस जब यहाँ पे होता है Fe कोबाल्ट एंड निकल, यहाँ पे क्या होता है एक्स जो है वो वाई को ऑलमोस्ट काउंटर कर देता है। ठीक है, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस इज काउंटर्ड बाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो वो क्या हो जाता है, काउंटर हो जाता है। थर्ड केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ गए हैं कि इनको काउंटर करना डिफिकल्ट हो गया, तो ये क्या हो जाता है, स्लाइट इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक इसलिए मैं कहता हूँ ना कि एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है हर चीज का, तो वही चीज है। यहाँ पे क्या है आपका पहले केस में क्या कर रहा है आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, थर्ड में क्या हो रहा है आपका क्या हो रहा है, हाँ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपका क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो लिख लेना इन द के एज वी मूव इन द एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड इन थ्री डी सीरीज नहीं नॉट इन थ्री डी सीरीज इन द डी ब्लॉक इन द डी ब्लॉक इन द डी ब्लॉक क्या होगा, फर्स्ट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, फर्स्ट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अप टू मैग्नीज, हम केवल फर्स्ट सीरीज का कर रहे हैं। ठीक है, आपको बाकियों का याद करने की जरूरत नहीं है, अप टू थ्री डी सीरीज अप टू मैग्नीज, देन देन एटॉमिक रेडियस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम निकल टू कॉपर टू जिंक। ठीक है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम निकल टू कॉपर टू जिंक। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है आपका मैग्नीज के बाद मैग्नीज तक आपका डिक्रीज करता है, फिर कोबाल्ट कॉपर आयरन कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, फिर निकल का मान लो अगर 117 है तो ये कितना हो जाता है 119, ये 121 ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इंक्रीज होता है, ग्राफ बनाना हो तो बना लेना। ठीक है, दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन, दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन as following, as following, अब पहला पॉइंट लिखना, there are as we move from left to right, as we move from left to right,
इसको लिख इसको एक्स करके लिख देना, ये जो हम लिख रहे हैं अभी इसको एक्स करके लिखना, ए 1 2 मत लिखना, ये एक्स वाई करके लिखना। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। The number of protons increase, and as a result, attraction force of the nucleus increases. Attraction force of the nucleus increases. Y करके लिखना। As we move from left to right. As we move from left to right, number of electrons are also increasing. Number of electrons are also increasing. Number of electrons also increasing. तो क्या होगा? Number of electrons increase होंगे तो क्या होगा? As a result, inter-electronic repulsion. As a result, inter-electronic repulsion increases. As a result, inter-electronic repulsion increases. Inter-electronic repulsion. ठीक है, और shielding जैसे भी आप नाम देना चाहें। As a result, inter-electronic repulsion increases, which leads to decrease in क्या होगा? डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव, विच लीड्स टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। अब लिखना इन द हम केवल 3D सीरीज की बात करते हैं, ठीक है? नहीं, नई लाइन से लिखना, नई लाइन से लिखना, और को ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे लिखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे करके लिख रहे। यहाँ पे कौन सा डोमिनेट करेगा? एक्स डोमिनेट, ठीक है? ट्रेंड तो पहले लिख ही चुके हैं हम, तो फालतू में फिर से कहानी लिखने की क्या जरूरत है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? एक्स काउंटर्स, और एक्स क्या बोलोगे? काउंटर करना बोलोगे, बैलेंस करना? बैलेंसेस वाई। यहाँ पे क्या होगा? कॉपर एंड जिंक। तो ये जो यहाँ पे होगा क्या होगा? निकल से कॉपर से जिंक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वाई डोमिनेट। ठीक है, तो ये चीज है आपका। आगे लिखो, इन द अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। समय कितना हुआ? चलते चलते नीचे चले चलो, अलोंग द ग्रुप। ठीक है, देखो इसमें, अब देखो जरा, समझ लो, पहले समझ लो फिर लिखा देंगे, ठीक है? पहला जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है? 3D होता है, यहाँ पे क्या होता है? 4D होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका? 5D होता है। तो अगर यहाँ पे 5D है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आ गया होगा साथ ही साथ? 4F आ गया होगा। तो 4F आएगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, मतलब शील्डिंग क्या होगी आपकी? पुअर होगी। शील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, ठीक है? शील्डिंग अगर एफ आ गया तो पुअर होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स आपका बढ़ जाएगा। तो जब आप ऑब्जर्व करते, जब आप 3D टू 4D जाते हैं तो इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस इज अ लॉट, ठीक है? जब आप 3D टू 4D जाते हैं तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, बट जब आप 4D से 5D जाते हैं तो आप कहते हैं कि अगर इंक्रीज दिखेगा भी तो बहुत ही कम होगा,
अदरवाइज मोस्टली इक्विवेलेंट होती है, मतलब जैसे ये 67 हो गया तो ये 69 हो जाएगा, या ये अगर 73 है तो 75 हो जाएगा, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होता। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द 4F ऑर्बिटल। क्या होता है यहाँ पे, 4F ऑर्बिटल की वजह से आपका वहां पे शील्डिंग ज्यादा हो जाती, शील्डिंग बहुत पुअर हो जाती है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है आपका उतना एक्सपेंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेडियस आपके 3D से 4D इंक्रीज करती है, और 4D से 5D आपका क्या होता है लगभग इक्वल होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम करते हैं, चलते नीचे चलो बस। ठीक है, मैं लिखा दूंगा अभी, बैग लेके नहीं जाना है, वापस आके पढ़ना है। ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आपके पेरेंट्स आने में आधा घंटा तो लगेगा ही ना, 15-20 मिनट पढ़ लेंगे। लाइट बंद, पर भी लाइट नहीं आ रही, अब बोर्ड बंद कर देखो भैया, लाइट बंद कर देना, बोर्ड बंद हो जाएगा, लाइट नहीं आ रही वैसे भी। तो देखो यहाँ पे, तो 3D 4D और 5D की बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है सारे तो ग्रुप होते हैं एक्सेप्ट स्कैनियम, यट्रियम एंड लैंथेनम, क्योंकि इनमें कोई 4F आता नहीं है। ठीक है, 4F आना इसके बाद शुरू होता है, तो इसमें एटॉमिक केवल ये जो पहला ग्रुप है स्कैनियम वाला, यहाँ पे केवल जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, जो रेडियस होती है इसमें इंक्रीज होती है, बाकी क्योंकि यहाँ पे कोई एफ नहीं आता है। लैंथेनम के बाद से ही शुरू होता है ना, बताया था ना मैंने, लैंथेनम से एक्टिनाइट सीरीज शुरू, लैंथेनाइट सीरीज शुरू होती है, तो लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट से लैंथेनाइट सीरीज शुरू होती है, तो लैंथेनम में कोई एफ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका नॉर्मल साइज इंक्रीज करेगा। इसके बाद वाले जो है कि से फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, नाम याद नहीं करने आपको, जस्ट फॉर मैं बता रहा हूँ कि टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हॉफनियम वेनेडियम नियोबियम एंड समथिंग कॉल्ड टीए, उसके बाद कॉपर AgAu, जिंक कैडमियम Hg, और मतलब जो भी होंगे, मेरा पॉइंट ये है कि इनमें क्या होगा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा इनमें क्या होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा इसमें क्या होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यहाँ पे भी सेम चीज। तो जब आप 3D से 4D जाते हैं तो साइज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, जब आप 4D से 5D जाते हैं तो साइज क्या होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, रीजन बीइंग 4F ऑर्बिटल के एंट्री एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ द डी ब्लॉक, दैट इज इन ओवरऑल थर्ड पीरियड, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका 4F ऑर्बिटल नहीं आता है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। पीछे वाला भी तेज अगर लिखना हो तो
इतने लोगों ने एक बार से ज्यादा प्रसाद लिया। तो मैंने तो सुना था तुम नीचे किसी को बता रहे थे घर में सबसे ज्यादा तुम ही खाते हो। चलो ठीक है। अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये होता है आपके डी ब्लॉक में, अब आते हैं डालिए एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी डालते हैं। एफ ब्लॉक डालिए हेडिंग। अच्छा एफ ब्लॉक में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। एफ ब्लॉक क्या होता है लिख लिया, बढ़ गया ठीक है। एफ ब्लॉक में क्या होता है टू बी एटलीस्ट, एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक का नाम क्या होता है लैंथेनाइड होती है, एक का नाम क्या होता है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड जो सीरीज होती है उसमें कौन सा एफ ऑर्बिटल होता है, 4f होता है, और जो एक्टिनाइड होता है उसमें कौन सा होता है, 5f होता है। तो लैंथेनाइड सीरीज में आपको कुछ नहीं याद रखना, तो इतना याद रखना वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है डिक्रीज ही होता है, तो यहाँ पे भी साइज क्या होता है डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ वहां पे जो साइज के डिक्रीज होने का नॉर्मल रीजन क्या था, वो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव था, यहाँ पे भी वही रीजन है। बस एक स्पेशल चीज आप और क्या ऐड कर दोगे कि मतलब अगर मतलब रेगुलरली जो साइज का डिक्रीज होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे साइज का डिक्रीज क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्बिटल कौन सा इंट्रोड्यूस हो गया अब आपका 4f, तो 4f और 5f की वजह से उनका जो डिफ्यूज ऑर्बिटल है तो उनकी वजह से वहां पे क्या है आपका जो आपका उनका डिफ्यूज ज्यादा है, तो उनकी वजह से उनकी शील्डिंग क्या है पुअर है, उनकी शील्डिंग पुअर होने की वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अगेन न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा आपका अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा। इसको बस एक कॉन्सेप्ट सेम है, रिजल्ट सेम है, बस एक स्पेशल नाम दे देते हैं कि जब आप चौदह एलिमेंट होते हैं ना पर सीरीज में, अगर आपको पिछले क्लास में काउंट कराया था, ये क्या आपका साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर ठीक है। तो साइज होता है 4F1 से जब आप 4F14 में जाते हैं तो डिक्रीज होता है, और इस डिक्रीज को हम नाम देते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है। और जब एक्टिनाइड में होता है तो उसे क्या देते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बट वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि एक्टिनाइड के एलिमेंट हम रेयरली कभी स्टडी करेंगे, वैसे इसके भी रेयरली एग्जिस्ट करते हैं पर स्टडी करते हैं, तो वही नाम ही रेयर अर्थ मेटल है ठीक है। चलिए इन द एफ ब्लॉक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द 4F सीरीज, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट इन द एफ ब्लॉक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द 4F सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज, as we move from left to right in a 4F series or lanthanide series, 4F series or lanthanide series, kya hoga? Size decreases from 4F1 to 4F14. ठीक है? 4F1 to 4F14. मतलब ये पहला है और आखिरी है. This is called lanthanide contraction. This is called lanthanide contraction. क्या कहते हैं इसे? Lanthanide contraction. ठीक है? Same happens in the actinide series, then it is called actinide contraction. Same happens in actinide series. Same happens in the actinide series. It is called actinide contraction. It is called actinide contraction, which is not prominent. मतलब लेकिन जो थे actinide contraction is not that much prominent. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये नाम याद रखना है, मतलब इसको पूरा पढ़ाने का मतलब ये है कि नाम याद रखना है ठीक है, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ एनामलस नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, भले हम पढ़े इसको एनामलस के अंदर रहे बट इट इज नथिंग एनामलस है ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली चीज है आयनिक रेडियस, डालिए पढ़ चुके हैं बट उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। आयनिक रेडियस
आई निक रेडियस लिखो, इट इज द रेडियस ऑफ आयन, सॉरी इट इज द रेडियस ऑफ आयन, इट इज द रेडियस ऑफ आयन इन 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 आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा कि अभी आपको मतलब समझ में नहीं आएगा लेकिन फ्यूचर में समझ में आएगा, नॉट इन एक्वस मीडियम, ठीक है, नॉट इन एक्वस मीडियम, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जब हम आयन की रेडियस की बात करते हैं तो उसको तीन तरीके से बात करते हैं, ठीक है। एक तो पहला होता है आयनिक सॉलिड में, ठीक है, आयनिक सॉलिड में बात करें, किसी आयन की जब हम रेडियस की बात करते हैं। आयनिक सॉलिड का मतलब जैसे NaCl देखा आपने, उसका कंचड़ा देखा ना, पाउडर वाला नहीं, मतलब जो सॉलिड वाला होता है, तो हम सपोज करो उसमें बात कर रहे हैं। एक क्या हुआ, NaCl को पानी में डाल दिया और घोल दिया, तो वो एक्वस मीडियम में होगा, उस समय भी Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में होगा वो। आई होप इतना याद हो कि पानी में जब सॉल्ट को डालते हैं तो अपने आयंस में टूट जाता है, तो उस समय भी उसकी कुछ रेडियस होगी, तो दैट इज रिटन एज Na प्लस एक्वस रेडियस, विच इज अ होल अनदर बॉल ऑफ गेम, ठीक है। तो इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद या अगली क्लास में या उसके अगले चैप्टर में। तो ये एक अलग चीज है, जब आपको एक्वस मीडियम में किसी आयन की रेडियस पूछे तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक्वस मीडियम में आयन की रेडियस जो होती है इसी चैप्टर में पढ़ना है, समथिंग कॉल्ड हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रेशन करके समथिंग कॉन्सेप्ट होता है उसके पढ़ेंगे, बट इतना बस क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि Na प्लस को क्या करेंगे, एक्वस अगर कहीं पे लिखा होगा तब इसकी रेडियस पूछेगा, या किसी के भी आगे एक्वस लिखा के उसकी रेडियस पूछेगा तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे आयनिक रेडियस में, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब हम कैटायन की रेडियस होती है वो क्या होती है आपकी, मान लो अगर आप किसी कैटायन की बात करेंगे, सपोज कर लो ए है, ए से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल के ए टू प्लस बना दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो यहाँ पे शील्डिंग क्या होगी, कम होगी, शील्डिंग कम होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, रेडियस इज लेस, व्हाई, ड्यू टू हाई जेड इफेक्ट, ठीक है। तो जब आप किसी भी कैटायन की, हम क्या बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन व्हाई द रेडियस ऑफ अ कैटायन इज लेस देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, पेरेंट एटम मतलब ये हो गया, ठीक है, एंड अपोजिट फॉर द एनायन, अगर हम एनायन की बात करते हैं तो सपोज कर लो आपने बी लिया है, बी टू माइनस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा आपका, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स यू बी टू माइनस, तो इस केस में क्या होगा, बी टू माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गए तो उनका जो शील्डिंग होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, शील्डिंग अगर बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा उनका, कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो गया तो आपका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, तो लिख लेना ये चीज, पहले ये कहानी ऊपर लिख लेना, मतलब एक एक करके लिख लो, पहले कैटायन के लिए लिख लेंगे फिर एनायन के लिए लिख लेंगे, ठीक है। लिखो रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन दैट ऑफ, रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, इट्स पेरेंट एटम एंड द रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, anion is greater than that of its parent atom, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहे हैं,
एनए प्लस की बात अगर कंपेयर करना हो आपको, एमजी एमजी टू प्लस की बात कंपेयर करना हो आपको, सीएल सीएल माइनस में कंपेयर करना हो आपको, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आएगा भी तो एनसीईआरटी लेवल से ही आएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही आई गेस करो, इतना पहले कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो कराता हूँ मैं। ओके सिंपल है, कर रही है सबका, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एन थ्री माइनस है, ओ टू माइनस है, एफ माइनस है, एन ए प्लस है, एम जी टू प्लस है, ए एल थ्री प्लस है, ठीक है। आपको इनका कंपेयर करना है सबका, ठीक है, सबका एक साथ कंपेयर करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। हाँ सारे एक साथ कंपेयर करने, मतलब दे आर नॉट टू क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। क्या छोटा लिखा है क्या, हुआ किसी का क्या होगा आंसर, ओके। किसी और का डिफरेंट है कुछ, क्या हो, एनीवन एल्स, क्या एल्युमिनियम मैग्नीशियम देन सोडियम, देन सोडियम के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, ओके देन ओके, किसी और का कुछ डिफरेंट है, ओके। अब फ्लोरीन क्यों रखा पहले, क्या, हाँ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इतना तो क्लियर है, इसके बाद फ्लोरीन क्यों रखा, नाइट्रोजन क्यों नहीं रखा, जस्ट पूछ रहा हूँ मैं, इसके बाद क्या, तो वही तो हमने क्या बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब तुमने क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया, क्या बताया तुमने, कोई ऑर्डर, एन थ्री नेगेटिव आपका क्या है, ज्यादा बड़ा है, और फ्लोरीन नेगेटिव से, एक मिनट आप एग्जैक्ट मेरे को बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा
एन ए प्लस है आप एक एक करके एन सबसे बड़ा है ओके और सबसे छोटा कौन सा है एल्युमिनियम ओके यही है सबका मतलब एक का ओके एक एक करके तो एक बंदा कह रहा है कि एन थ्री माइनस सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का ऑप्शन बनाते हैं हम ना एक ये बन गया ये सबसे बड़ा पहले लिखेंगे फिर सबसे छोटा बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है बताइए एन ए सबसे बड़ा है क्लोरीन सबसे छोटा है ओके और कौन सा है एल्युमिनियम सबसे छोटा है हम बड़ा लिख रहे थे पहले छोटा लिख रहे क्या बोला आपने सबसे बड़ा कौन सा है क्लोरीन क्लोरीन सबसे बड़ा है और छोटा कौन सा है और कोई ऑप्शन है किसी के पास ऑप्शन तो कहते बहुत सारे हैं बस यूज नहीं करना चाहते हैं ओके सो कितने लोग का ये नाइट्रोजन सबसे बड़ा है एल्युमिनियम सबसे छोटा है ओके बी कितने लोग का है ओके सी कितने लोग का है आपका अकेला है ओके नाउ लेट्स सी पहले सॉल्व करने से पहले सिंपल था ये देखो क्या सभी के सभी जो एटम्स है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है देखो ढंग से देखो क्या सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो अब आपको ज्यादा कहानी सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम है तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका शील्डिंग होगा वो क्या होगा सेम हो जाएगा तो शील्डिंग किस पे तो जो जेड इफेक्टिव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा अगर सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है एल्युमिनियम में तो उसके बाद एल्युमिनियम 3+ फिर मैग्नीशियम फिर सोडियम फिर क्लोरीन उल्टा साइन बना दिया ना मैंने साइन उल्टा बना दिया मैंने फिर क्या आएगा क्लोरीन नाइट्रोजन सॉरी क्लोरीन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन समझ में आया हाँ फर्स्ट वाला सही और वो तो बता ही दिया था मैंने कि जो वान डर वाल गैसेस होती है मतलब सॉरी जो इनर्ट ग्रुप होता है उसकी जो रेडियस होती है उसको कंपेयर नहीं करते क्योंकि उसकी रेडियस क्या होती है आपकी वान डर वाल होती है क्लियर पॉइंट अब डालते हैं अगली हेडिंग डालिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और मैसेज करवा देते ना आपके घर पे जब तक कोई आएगा तब तक टॉपिक हो जाएगा आई गेस टॉपिक नहीं होगा तो नॉर्मल हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट हाँ हाँ
ओके नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में वर्स्ट नहीं है तो वर्स्ट नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, आपका मानो पोटेंशियल भी बोल सकते हो जो पिछले चैप्टर बोलते थे। ठीक है तो मेनली ये क्या है सेम चीज है। तो देखो डेफिनेशन लिखो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है इसकी, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ It is enthalpy change during the formation of one mole of gaseous cation। तो ऐसा तो नहीं करते कि मतलब ऑड डेज पे घर पे बोल दो कि आज जा रहे हैं, आज रात को क्लास होगी हमारी और बंक मार रहे हो, फिर यहाँ पे आके बाहर खड़े होके कॉल कर दो कि ले जाओ आपके, अब क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकते आजकल पेरेंट्स ज्यादातर तो बाहर से क्या आइडिया नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, इट इज नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट। चलो देखो इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसेस कैटायन, वन मोल इंपॉर्टेंट है और गैसेस कैटायन इंपॉर्टेंट है, गैसेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, वन मोल गैसेस कैटायन फ्रॉम द गैसेस एटम। ठीक है इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, वन मोल है और गैसियस है। ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक क्या है, एक ए है सपोज कर लेते हैं कंपाउंड ए है, जनरली जो एटम्स होते हैं या जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स टू बी मोर मेटल, जनरली जो मेटल्स होते हैं क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन देने की होती है, तो हम यहाँ पे जनरली जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो मेटल के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, नॉट दैट वी कैन नॉट डू इट इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटल, वी कैन डू इट इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटल बट वी यूजली डू इट इन टर्म्स ऑफ मेटल्स, तो क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट। ओके जनरली मेटल्स आर सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम छोड़ के, तो यहाँ पे क्या होगा जो मेटल होता है पहले उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है तब उसके बाद वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है तो गैसेस स्टेट से और कितने होने चाहिए ये, एक मोल। ठीक है तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, एनर्जी पर मोल होती है। अच्छा अब क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो मेटल से तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा उस पे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है तो उससे एनर्जी क्या होगी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है डेल्टा एच ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है डेल्टा एच जो होता है या एच जो होता है वो एंथैल्पी का सिंबल होता है, तो जहां कभी भी एंथैल्पी वर्ड यूज करूंगा मैं एच यूज करूंगा, डेल्टा मतलब चेंज और आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको आई है ये, तो ये जनरली क्या होती है पॉजिटिव, जनरली क्या ऑलवेज क्या होती है ये पॉजिटिव होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है आपका एंडोथर्मिक। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है आपका एक गैसियस एटम से आप जब आप एनर्जी निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये ठीक है तो लिख लो ये चीज। ओके ना अब देखो जरा एक टर्म होता है यहाँ पे मेन हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है तो अब आपको ये सोचना होगा कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन निकालने में कंड्यूसिव होंगे, कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्ट होंगे, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हुआ तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है तो अगर जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी आपकी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा अब एक टर्म एक सेंटेंस होता है लिख लो पहले, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी
साइलेंट पे लगा लो। बच किस कर रहा है? ऐसे लिखो, देयर इज इंक्रीज इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली देखेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी देखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी तीसरी देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से, आपको ये कहेगा नहीं मुझे तो चौथी देखनी है, तो आप चौथी पांचवी भी देख सकते हैं, आई डोंट माइंड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट होगी, फिर सेकेंड होगी, थर्ड होगी। तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या करती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है आप सोचिए जरा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ए से जाता है ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। समटाइम इफ आई एम नॉट राइटिंग गैसेस, यू शुड अज्यूम दैट इट इज गैसेस, ठीक है। तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा आपका, IA1, ठीक है। अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा आपका, ए प्लस सी। कोई दिक्कत है? डेल्टा एच IA2, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किससे निकलेगा, तो यू कैन सी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन A2+ से निकालेंगे तो A2+ में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए, कम हो गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो गए तो शील्डिंग आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। और शील्डिंग अगर आपकी कम हो गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा और डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू A+ एनी। तो इसीलिए यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो कि सपोज कर लो रिश्ता है, वानिका है, फ्रेंड है या दुश्मन है, जो भी है। तो सपोज कर लो अगर कोई किसी को पहला थप्पड़ मारेगा, ठीक है, मान लो कि रिश्ता ने वानिका को मारा पहला थप्पड़, ठीक है। तो मतलब क्योंकि अचानक से पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा, उसके बाद सेकंड थप्पड़ मारोगे तो थोड़ा सा और अलर्ट रह जाएंगे, तीसरा मारने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना, मतलब बहुत मनोवरिंग करना पड़ेगा टू हिट फॉर द थर्ड टाइम, क्या मतलब खुद भी वापस पड़ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो पॉइंट ये कि जैसे जैसे आप निकालते जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे क्या होता है आपका, डिफिकल्ट होता जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको देखते होगा, क्लियर पॉइंट। मैसेज डाल दिया ना सर ने, तुम बहुत जल्दी देख ले रहे हो। क्लियर ओके, नेक्स्ट डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे पिछला वाला किया था, तो अब आप खुद बताएंगे मुझे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बताइए, अगर आप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है तो मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, कोई आंसर नहीं देगा, पहले क्लियर कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या फर्क पड़ेगा बताइए, आप श्रुति नाम है ना आपको, बताइए। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा, और तेज बोलो बेटा, इतने अभी तो हलवा खाया, थोड़ा दम होना चाहिए, बोलिए। कोई नहीं, गलत बोलोगे और क्या होगा, मैं तो मार भी नहीं सकता स्कूल वालों की तरह, तो बता सकते हो आप, मैं कॉपी पार सकता हूँ, तो बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो, बस इतनी तेज बोलते हो आप। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन्स अगर शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, बट हम इलेक्ट्रॉन बढ़ने की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खैर तो आगे आंसर बताओ, बोलो, सही जा रहे हो, डायरेक्शन सही है, बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, इजी हो जाएगा। तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, कम हुई या बढ़ी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो
सिंपल था कि ऐसा, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो और आपका शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर आपका शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई एक तरीके से, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई तो जेड इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव अगर आपका कम हो गया तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पे होल्ड है न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, एज अ रिजल्ट जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो लिख लो, एज द नंबर ऑफ, ऐसे मतलब कहानी करके मत लिखना, मतलब ऐसे करके पैटर्न बना के लिख लो, ज्यादा इजी रहता है याद करना, ऐसे करके लिख लो कि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो चाहे, क्योंकि पहले टाइम लिख रहे हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इजी, सो जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा आपका, क्लियर है, ऐसे चल बन जाता थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो, या मतलब मान लो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तब क्या होगा, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा, बताइए आप सुनिधि, क्या नहीं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा, मनन बताइए आप बेटा, हाँ डिक्रीज बोल रहे हैं आप बताइए बेटा, क्या कम होगी, ओके पीछे बताइए, प्रत्युष नाम क्या नाम है, भूल गया, अर्पित बताइए, क्या अच्छा आपके बगल में जो बैठे हैं, आप इधर उनके बगल में जो बैठे हैं बताइए, इंक्रीज करेगी, क्यों इंक्रीज करेगी, और तेज बोलिए क्या कह रहे हो, हाँ नहीं मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज करेगी, रीजन के साथ बता दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ठीक है बट कैसे एक्सप्लेन करो, हाँ बिल्कुल सही, क्या हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपका अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे जो होल्ड होगा, जो न्यूक्लियस पे होल्ड होगा, न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपका डेल्टा एच आई क्या होगा आपका, ठीक है, तो आप बीच में ये लिख लेना, जिन लोगों को नहीं बता पाए ये लिख लेना कि जेड इफेक्टिव बढ़ाने पे क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, हाँ हम बोल नहीं रहे अभी, हम केवल फैक्टर पढ़ रहे हैं, बट मोस्टली वही होता है, मतलब अच्छा कोई अगर ऐसे पूछे आपसे कि शील्डिंग, अगर मतलब हमने तो जेड इफेक्टिव के टर्म में पूछा, कोई अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के टर्म में पूछे, सेम कॉन्सेप्ट होता है ना, पता ही आपको कि अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तब क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, तो प्लीज लिसन टू मी, ठीक है, बहुत क्लियरली समझ लो कि अगर आपके न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो सिंपल सा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो आपको इसको पूछने के कई तरीके घुमा फिरा के, जेड इफेक्टिव के टर्म में पूछ लिया, शील्डिंग के टर्म में वो पूछ लेते हैं, अगर शील्डिंग बढ़ गई तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी,
इसको इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के टर्म में सोच सकते हैं। अगर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। सिंपल सा, कई तरीके से पूछ सकते हैं, मेरा पॉइंट है। अच्छा अब ना जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो बहुत ज्यादा पूछा पूछा क्या मतलब तो इम्पोर्टेंट वही है। अच्छा आपको मैंने बताया था लास्ट है, इसके बाद जाने देंगे ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और फुल फिल्ड ऑर्बिटल, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये बताओ उनसे इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी होगा या एज अपोज टू देम नॉट हाफ फिल्ड एंड नॉट फुल फिल्ड। जो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा, रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है तो लिखिए पॉइंट, डेल्टा सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन, फॉर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बाय क्लोरीन, फॉर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन नियर बाय एलिमेंट। नियर बाय को अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, इज ग्रेटर देन नियर बाय एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है रोक देते हैं इसका एग्जाम्पल देके आपको समझा के, ठीक है समझो। तो इसका मतलब क्या है कि नियर बाय मैंने क्या कहा, नियर बाय एलिमेंट क्योर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बाय द पॉइंट नंबर टू आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो अगर मैं इनका ऑर्डर पूछूं तो आपका क्या होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। बट आपको पता है कि नाइट्रोजन का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, P3, और इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, P4। ठीक है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, N3 का O2 से ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं कहते हैं सर ऑक्सीजन से ही ज्यादा क्यों होता है, फ्लोरीन से ज्यादा क्यों नहीं होता, तो इसीलिए मैंने नियर बाई लिखा है। ठीक है कि हम क्या कह रहे हैं, नियर बाई ये नहीं होगा। ठीक है केवल जो आसपास के एलिमेंट होंगे, एडजेसेंट एटम्स होंगे, उन्हीं में केवल एक्सचेंज होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं बेरिलियम एंड बोरॉन का, लॉजिक के हिसाब से, सेकंड वाले लॉजिक के हिसाब से किसका ज्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोरॉन की, ये होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है, ये इसका क्या है, इसका क्या है सॉरी S2 है और इसका क्या है S2N P1 है। ठीक है तो इसका क्या हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन का निकलना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू इसके। मैं लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बस समझ लो। अच्छा एक चीज और देखो, इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक, तो ये क्या ऑप्टेन करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सेम गोज फॉर यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट विल बी P3, तो इट विल गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हेंस द मोर टेंडेंसी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर पॉइंट, तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो कि आफ्टर गिविंग द इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन द स्टेबल कॉन्फिग्रेशन, और रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इज मोर डिफिकल्ट। क्लियर पॉइंट, ठीक है विल स्टॉप हियर, ये मैं लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। और नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाना है आपको, हाँ मतलब जो मॉड्यूल में जो बचे हुए कुछ, ठीक